नमस्कार दोस्तों, एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट भरत। तो भाई आज हम सीखने वाले हैं आलू की सब्जी, जो आपने हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। और ये मतलब करीबन 2 क्विंटल आलू है। ये कितना 2 क्विंटल आलू है ना पूरा? तो ये रात से रख देते हो भिगोने के लिए? शाम को रख देते हो? अच्छा। तो भाई आज आपको मैं शादरा और जो आपने भंडारे वाली आलू की सब्जी खाई होगी तो उसकी प्रिपरेशन देखने वाले हैं, कैसे ये तैयार होती है। तो अभी करीबन मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, तो अभी देखते हैं, एकदम शुरुआत से देख रहे हैं कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो वीडियो में बने रहना। ये 3 नमक की थैलियाँ, तो पहले इसको उबाला जाएगा ना, तो इसमें नमक डाल रहे हैं 3 थैलियाँ। और 2 क्विंटल ये आलू है जिसमें 3 नमक की थैलियाँ बढ़ रही हैं, 4 नमक की थैलियाँ ये। तो भाई 2 क्विंटल आलू उबालने के लिए इसमें 4 नमक की थैलियाँ डाली हैं। तो अभी और आलू हैं, तो भाई आलू की सब्जी के लिए हल्दी है ये, इसमें 1 किलो हल्दी इसे घोला जा रहा है। इसमें रिफाइंड है 2.5 से 3 किलो और उसमें हल्दी मिला दिए, चलिए हल्दी है आपका। ये यहाँ पे आपका पेस्ट तैयार हो रहा है अदरक और मिर्च का। अदरक और मिर्ची है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। अदरक और मिर्च का पेस्ट तैयार हो रहा है। तो भाई जो अदरक और मिर्च का पेस्ट था वो अभी इसमें ऐड कर दिया है हल्दी के साथ। तो अभी इसको होने देंगे। और जो भैया ने बताया है जो आलू हैं आपके वो भी करीबन 1 घंटे तक ये उबलते रहेंगे, आधे घंटे तक उबलते रहेंगे। कितनी देर तक करना होता है इसे? अच्छा 15 से 20 मिनट। धनिया पाउडर, तो भाई ये है धनिया पाउडर। ये कितना होगा, 1 किलो का पैकेट होगा ये? 500 ग्राम का। तो भाई 500 ग्राम का ये धनिया का पैकेट, धनिया डाल देंगे इसमें। ये भी 500 ग्राम, 1 किलो। तो भाई 1 किलो लाल मिर्च ऐड कर दी अभी इसमें। तो भाई इसमें अभी जो मसाले डालते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं दिखाता जा रहा हूँ। और इसे करीबन 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही उबालना है। और ये जितने भी मसाले हैं सबको अच्छे से घोट लेना है। और वहीं यहाँ पे करीबन आधा घंटा होने वाला है, आलू भी उबल जाएंगे।
ये भी आलू की सब्जी के लिए ही है। ये भी कितने 4 पैकेट नमक के डाले ना इसमें भाई, 4 पैकेट अलग से धोने में डाले इसमें भगोने में, तो देखते हैं। तो भाई 20 से 25 मिनट उबाल करने के बाद से ये पूरा पेस्ट सा तैयार कर लिया है, तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। और ये करीबन आलू भी थोड़ा और टाइम लगने वाला है, आलू उबल जाएंगे तो इसे और ज़्यादा सही से कर रहे हैं। तो भाई जितना भी रिफाइंड था वो सारा निकाल के अलग कर रहे हैं, और जितने भी जो मसाले का पेस्ट बनाए थे वो उसको अलग कर रहे हैं। आलू उबालने के लिए ये अलग है डेग, और ये अलग है यहाँ पे, इसमें मसाले मिला रहे हैं। इसमें नमक मिला दिया था 4 थैली, और अभी जो पेस्ट किया था गरम वो सारा इसमें ऐड ऑन हो रहा है। तो भाई करीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है उबालने के लगे थे जो आलू, और वो सही से अभी उबल चुके हैं, ये देखो आप देख सकते हो। और वहाँ उसमें मसाले डाल दिए, तो अभी मसाले का जो पेस्ट था आपने देखा होगा, ये वो भगोने से निकाल के इस भगोने में डाल दिए। अब वो थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे, लेकिन 20 से 25 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है, तो मसाले इसमें अभी डाल दिए। तो भाई जितने भी अभी आलू थे उनको सही से मैश किया जा रहा है, जिससे कि ऐसा ना हो कि खाते वक्त कोई आलू एकदम से मुंह में लगे ज़्यादा टोस्ट का, तो इसे सही से अभी इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें धनिया ऐड कर दिया है। ये कौन सा है धनिया है, क्या ये गरम मसाला? गरम मसाला करीबन कितना होगा इसमें? 250 ग्राम, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम करीबन गरम मसाला डाला है, और इसमें धनिया पाउडर कितना डाला था? 500 ग्राम धनिया पाउडर और 500 ग्राम गरम मसाला। ये कौन सा मसाला है? आमचूर। ये भी 500 ग्राम डालना है, तो ये भी करीबन 500 ग्राम इसमें आमचूर डाल दिए। तो भाई सारे मसाले वसाले ऐड कर दिए हैं, और ये पूरा सही से इसको मिक्स करा जा रहा है। तो भाई इसमें पूरे 2 क्विंटल आलू हैं, तो 2 क्विंटल आलू ये पूरे डोने इसमें डाले हुए हैं। बोलना रहे कोई गाड़ी है।
अभी इसमें मिर्च ऐड कर दिए। तो भाई करीबन आधा किलो हरी मिर्च ऐड करिए इसमें, और ये ऊपर से डाल दिए कस्तूरी मेथी। तो भाई ये डाल दिया ऊपर से ग्रेवी के लिए, ये ऊपर से डाल दिया और कस्तूरी मेथी डाल देंगे। तो भाई भंडारे वाली आलू की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो भाई आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी स्वादिष्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।